वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबको हम दिल से आज की इस खूबसूरत वीडियो में वेलकम कहते हैं। आई वेलकम यू ऑल टू जॉब्स अड्डा। पढ़ाई की दुनिया में एक उभरता हुआ नाम, एक उभरता हुआ स्टार। दोस्तों, आज हम आपको टेंसेस पढ़ाएंगे। यूं तो जिंदगी में आपने टेंसेस बहुत बार पढ़े, राइट फ्रॉम योर एकेडमिक क्लासेस से लेकर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी टेंसेस तो पढ़े। अरे भाई, बचपन से लेकर आपकी लड़कपन और जवानी तक आपने टेंसेस तो बहुत बार देखे हैं, लेकिन इस बार जो आप टेंसेस देखेंगे, ये आप मुनफरिद अंदाज में देखेंगे, एक नया अंदाज। तो कहे है कि टेंसेस अब आएंगे समझ, ज्यादा से ज्यादा टेंसेस अब समझ में आएंगे, कमाल से भी ज्यादा, क्योंकि अब पढ़ाने आए हैं इंजीनियर सईद ज़ादा। वाह, क्या कमाल का शेर है सर, एक नया अंदाज होगा। दोस्तों, अभी पढ़ाने से पहले मैं आपको एक जुमला दे देता हूं कि ये जो टेंसेस आप पढ़ेंगे, आप अपनी जिंदगी में ऐसे टेंसेस आपने नहीं पढ़े होंगे। ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, जब आप पढ़ते जाएंगे आप इस जुमले को कमेंट सेक्शन में भर देंगे, सर आपने जो जुमला पहले दिया था, इंशाल्लाह आप लिखेंगे कि सर ऐसे टेंशन हमने कभी नहीं पढ़े थे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, पहले कुछ शेरो शायरी हो जाए, फिर ये कमाल का लेक्चर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। एक शायर ने लिखा है, दिल में जुर्रत नहीं हो तो, दिल में अगर जुर्रत न हो तो मोहब्बत नहीं मिलती, दिल में अगर जुर्रत न हो तो मोहब्बत नहीं मिलती, और खैरात में इतनी बड़ी दौलत नहीं मिलती, खैरात में इतनी बड़ी दौलत नहीं मिलती। आइए दोस्तों, अब आप एनर्जाइज हुए हैं, हम शुरू करते हैं आज का खूबसूरत लेक्चर। दोस्तों, मैं यहां पर अगर आप बात करूं, सुनिए, टेंसेस जो है ना, जो हमारा ये लेक्चर होगा, ये टेंसेस आपको एकेडमिक क्लास से लेकर कॉम्पिटिटिव और कॉम्पिटिटिव में हायर से हायर एग्जामिनेशन के लिए वीडियो आप बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। टेंसेस मैंने लिखा कि टेंसेस कौन कौन से एग्जामिनेशन कवर करेगा, आपके एकेडमिक एग्जामिनेशन, आपके एकेडमिक्स, दूसरा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, और तीसरा कॉम्पिटिटिव में कौन कौन से एग्जाम आएंगे। दोस्त, कॉम्पिटिटिव में एग्जाम आएंगे, नंबर वन में लिख लेता हूं, यूपीएससी, आईएएस जिसमें सी सेट होता है, उसके बाद आपके एसएसबी और एसएसबी के साथ साथ एसएससी और भी डिफरेंट बैंकिंग एग्जामिनेशंस है, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। हमने लिखा है, दिस वीडियो इज फॉर ऑल एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बताया कि इस वीडियो में क्या क्या होगा। सबसे पहले ये जो टेंसेस है, नंबर वन याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, हम इसमें पढ़ने वाले हैं ओरिजिन ऑफ टेंसेस। टेंस क्या है, क्या असल में ओरिजिन, आया क्यों है ग्रामर में, ये जान लेंगे। दूसरा है क्या और करता क्या है। लाइफ में मेरी एक बात दोस्तों याद रखिएगा, अगर आपको इन तीन सवालों का जवाब आपके पास है तो जिंदगी में आपकी तरक्की को कोई रोक नहीं सकता है, गारंटी से बात कह रहा हूं मैं आपको। नंबर वन, आपको अगर इस सवाल का जवाब मालूम है, इफ यू नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, नंबर वन क्या, मैं दुनिया में क्यों आया, व्हाई आई केम इनटू एग्जिस्टेंस, मैं दुनिया में आया क्यों, इसका जवाब आपके पास है, कोई आपकी तरक्की को रोक नहीं सकता है। दूसरा, आपको ये पता है कि मैं हूं क्या, whom am I, इसका जवाब है, तरक्की को कोई आपको रोक नहीं सकता है। तीसरा, आपको ये मालूम है कि मैं क्या करूंगा आगे, आपके पास एक प्लान है कि मैं जिंदगी में अच्छे अच्छे काम करूंगा, सोसाइटी को ये दूंगा, देश का नाम रोशन करूंगा। अगर आपके पास इस सवाल का जवाब है, नो वन इज गोइंग टू स्टॉप यू,
आपकी सक्सेस को कोई रोक नहीं सकता है। तीन सवाल है, मैं आया क्यों, मैं हूं क्या, मैं करूंगा क्या। सेम इज द केस दोस्तों, जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं ये ग्रामर है। ग्रामर में ये टेंस आया क्यों है, है क्या, करेगा क्या। मैं एनर्जी से पढ़ा रहा हूं ताकि उसी एनर्जी से आप भी समझेंगे टेंस है क्या, करता क्या है, क्यों आया है। ये हमारा मेन मुद्दा है, ये हमारा टॉपिक रहेगा आज की इस खूबसूरत वीडियो में। Why tenses were incorporated in English? क्यों आए? What are tenses? What are they meant for? है क्या? अब सुनिएगा ध्यान से, be attentive now. Okay, my dear students, first जो सबसे important बात है, tense है, hey tense क्या है? दोस्तों मैं यहां पे लिख लेता हूं कि टेंस क्या है। सुनिए, लिखा है टेंस जो है ये नाउन है। क्या है? टेंस इज ए नाउन। हां भाई, टेंस नाम है। किस चीज का नाम है? अंग्रेज का बच्चा बोलता है कि टेंस जो है ये एक ओल्ड लैंग्वेज वर्ड से निकला है। एक ओरिजिन इसका जो बताया जा रहा है, ओरिजिन, ओरिजिन में लैटिन वर्ड है टेम्पस। ऑरिजिन बता रहा है कि अंग्रेज का बच्चा बोलता है लेटिन लैंग्वेज में वर्ड था टेम्पस। उस टेम्पस का मतलब होता है टाइम, या इसे सिंपली कहेगा पीरियड ऑफ टाइम। टेम्पस, टेम्पस इज ए लेटिन वर्ड, यहां से निकला है आपका टेंस। कुछ कहने वालों का, ग्रामरियंस का ये कहना है, एक वर्ड है जिसका नाम है टी एन एस, ये है इसका असल में ओरिजिन। कुछ ग्रामरियंस ये कहते हैं ओरिजिन इसका ये है टी एन एस, कुछ ने कहा इसका ओरिजिन है टी एम्पस। बहरहाल जो भी इसका ओरिजिन है, बताना ये मकसूद है कि इसका मीनिंग है टाइम। टेंस मींस फॉर टाइम। अब मुझे आप बताओ कैसा टाइम, किसका टाइम, खाने का टाइम, पीने का टाइम, सोने का टाइम, कैसा टाइम भाई? इंफॉर्मेशन इज नॉट क्लियर येट, अभी तक जानकारी पूरी हमारे पास नहीं है। आइए इसी अंग्रेज से पूछते हैं, बताओ ये तो तूने बताया कि टेंस मतलब होता है टाइम, कैसा टाइम है। इससे पहले मैं ये बता दूं, टेंसेस कब ग्रामर में आ गए, कब तक थे नहीं भाई। इन टेंसेस को ग्रामर में 14th सेंचुरी में लाया गया है। क्या बोलिए? 14th सेंचुरी को ये टेंसेस ग्रामर में इनकॉर्पोरेट किया गया है। यहां तक आपने समझा? टेंस कहां से निकला है? टेंपस से, व्हिच मींस टाइम, और वी कैन सिंपली कॉल इट पीरियड ऑफ टाइम। कब आए हैं? 14th सेंचुरी में। यहां तक समझ में आया? वेरी गुड। अब मैं आपको बताता हूं क्यों आए। सुनिए मेरे प्यारे मेरे बच्चों, हमारे पास वर्ब जो है ना वो दो तरह का होता है। सबसे पहले ये बता दूं कि वर्ब क्या होता है। बच्चों सुनो, वर्ब किसे कहते हैं? जब आपको वर्ब मालूम होगा तभी तो आप समझेंगे इसके टाइम्स क्या होते हैं। हल्की फुल्की सी इसकी डिफिनेशन बता देता हूं। वर्ब इज ए ग्रामेटिकल वर्ड। क्या है बोलो बच्चों? ग्रामेटिकल वर्ड। वर्ब इज ए ग्रामेटिकल वर्ड। दूसरा ये क्या बताता है? विच टेल्स अस अबाउट नंबर वन। नंबर वन किसके बारे में बताता है? एक्शन, एक्शन का टाइम। दूसरा स्टेट ऑफ एक्शन, एक्शन का टाइम का मतलब होता है, और टाइम ऑफ एक्शन। अंग्रेज के बच्चे की जुबानी लिखेंगे एक्शन ऑफ, टाइम ऑफ एक्शन। तो हम समझ गए सर, हमारे पास वर्ब इट्स अ ग्रामेटिकल वर्ड विच टेल्स अस अबाउट नंबर वन एक्शन का टाइम, यानी कि टाइम ऑफ एक्शन। दूसरा स्टेट ऑफ एक्शन, यानी कि आसान अल्फाज में अगर बता दिया जाए ये वर्ब क्या होता है, वो ग्रामर का वर्ड जो हमको बताता है टी ओ ए, दूसरा बताता है एस ओ ए, टी ओ ए एस ओ ए। सर ये टाइम ऑफ एक्शन क्या होता है, स्टेट ऑफ एक्शन क्या होता है? टाइम ऑफ एक्शन का मतलब होता है हमारे पास जो टाइम है, टाइम, टाइम की एक्सिस,
टाइम है ना बच्चे, बोलो टाइम। इस वक्त टाइम हुआ मान लीजिए 3 बज गए, इस वक्त 3 PM है, 3 PM ये टाइम है, ये टाइम है राइट। अच्छा इस टाइम के इस समय इस लम्हे इस साइड लेफ्ट साइड अगर एक लम्हा भी गुजर गया हो, ए मोमेंट जस्ट आफ्टर दिस, इसके बाद जो है इट इज पास्ट, ए मोमेंट अहेड दिस इज फ्यूचर। समझ में आ रहा है, यानी कि 2:59 ये आपका पास्ट हो गया है और यहां पे 3:01 जो है ये आपका फ्यूचर हो गया। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टाइम। हमारे पास टाइम के डोमेन्स है, एरियाज है, नंबर वन प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। समझ में आ रहा है, तो ये हम कहेंगे ये जो सारा कुछ है ये हमारा बनेगा टाइम ऑफ एक्शन। बताओ मुझे भाइयों कि हम एक्शन किस टाइम फ्रेम में हुआ, क्या ये प्रेजेंट में हुआ, क्या ये पास्ट में हुआ, क्या ये फ्यूचर में हुआ, टाइम फ्रेम क्या है, किस में हुआ, वो क्या बताएगा टाइम ऑफ एक्शन। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, आई वॉश utensils, I wash, मैंने पाने मांजे थे, मैंने बर्तन धोए थे, इसका मतलब होता है आई क्या बनेगा सब्जेक्ट। ये वॉश क्या है, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है ना मेरे बच्चों। यूटेंसिल्स क्या है, ये है ऑब्जेक्ट। अब बताओ ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है ना वर्ब, तो मैंने कहा ये वर्ब हमें बताएगा टाइम ऑफ एक्शन। बताता है ना ये वॉश जो है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वो हमको बताता है इस एक्शन का TOA जो है वो है पास्ट। यहां तो सबको समझ में आया है, वेरी गुड। लिख लीजिए आई वॉश यूटेंसिल्स, यहां पे वॉश क्या है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो हमें ये बताएगा टाइम ऑफ एक्शन इसका पास्ट है। क्लियर हुआ। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, आई गो टू जॉब्स अड्डा। अब बताओ ये गो क्या है, ये वर्ब की पहली फॉर्म है, ये वर्ब की पहली फॉर्म है, ये वर्ब की पहली फॉर्म ही बताती है इसका टाइम ऑफ एक्शन जो है वो है प्रेजेंट है। सो इसका मतलब है हमारे पास वो ग्रामर का लफ्ज होता है, ग्रामर का वो शब्द होता है जो हमको बताता है टाइम ऑफ एक्शन, एक एक्शन कौन से टाइम डोमेन में हुआ, प्रेजेंट में हुआ, पास्ट में हुआ, फ्यूचर में हुआ, ये हमारा क्या है, बोलो बच्चों, ये हमारे पास टाइम ऑफ एक्शन है। अब दूसरी बात करेंगे स्टेट ऑफ एक्शन की। हम तेज तो नहीं पढ़ा रहे ना, आराम आराम से पढ़ा रहे, क्योंकि ये तो आप ग्रामर आज एक नए अंदाज में समझ रहे हैं। अब टेंशन आएंगे समझ ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि अब पढ़ाने आए हैं इंजीनियर सईद ज्यादा। चलिए यहां तक क्लियर हुआ, आगे चलते हैं। अब हम समझ गए भाई वर्ब जो है ये हमको बताएगा नंबर वन TOA बताएगा, दूसरा बताएगा SOA। TOA का मतलब होता है ये प्रेजेंट में है या पास्ट में है या फ्यूचर में, कौन सा है टाइम ऑफ एक्शन, वेरी गुड। दूसरा हमने बताया स्टेट ऑफ एक्शन, स्टेट ऑफ एक्शन का मतलब होता है एक्शन की स्टेट क्या है। मान लीजिए मैं आपको बताता हूं, सिंपल है स्टेट हमारे पास चार तरह को, सिंपल है, कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, ये हमारे पास स्टेट्स होती है एक्शन की। याद रखिएगा टाइम ऑफ एक्शन का मतलब होता है प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, और दूसरा है स्टेट ऑफ एक्शन। स्टेट ऑफ एक्शन में होता है सिंपल स्टेट, कॉन्टिन्यूस स्टेट, परफेक्ट स्टेट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस स्टेट। ये हमारा वर्ब इंफॉर्मेशन देगा। सिंपल स्टेट, सिंपल स्टेट मतलब होता है काम जो होगा नॉर्मल, यानी कि जो होगा रूटीन बेस पे, कंटिन्यूअस बाय द वर्ड इटसेल्फ इट इज कंटिन्यूअस गोइंग ऑन। परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीटेड, परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब कंप्लीटेड, फर्स्ट कंटिन्यूअस देन कंप्लीटेड, कंटिन्यूअस देन कंप्लीटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल ये याद रहा, सिंपल 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 स्टेट ऑफ एक्शन क्या बोलेंगे, सिंपल एक्शन का स्टेट क्या होता है, वो काम जो रोजमर्रा होगा डेली परपज में होगा। दूसरा कंटिन्यूअस जो काम चल रहा हो, तीसरा परफेक्ट जो काम ऑलरेडी कंप्लीटेड हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस जो चल रहा हो देन कंप्लीटेड हो।
बोलो यहां तक समझ में आया? फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये समझ में आया, वो हमें दो चीजें बताएगा, नंबर वन टाइम ऑफ एक्शन, दूसरा क्या है स्टेट ऑफ एक्शन। टाइम ऑफ एक्शन में बता रहा है कि टाइम कौन कौन से डोमेन में आएगा, स्टेट में बताएगा ये अलग चार स्टेट्स। यहां तक समझ में आया दोस्तों? ये हमने आपको बताया, ये वर्ब हमें बताता है, वर्ब इसके अलावा और भी चीज बताता है। नंबर वन एक तो बताएगा एक्शन डन बाय सब्जेक्ट, दूसरा बताएगा ये स्टेट ऑफ ए सब्जेक्ट, वर्ब क्या बताएगा एक्शन डन बाय सब्जेक्ट। मान लीजिए मैंने कहा इसमें आई वॉश क्लोथ्स, भाई ये जो है ना ये वॉश वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, वॉश फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और ये वॉश हमको क्या बताता है कि इस आई के बारे में इसने एक्शन किया है, एक्शन इज डन बाय द सब्जेक्ट, वो एक्शन क्या है कपड़े धोने का। दूसरा स्टेट ऑफ सब्जेक्ट, और हमेशा याद रखिए वर्ब हमेशा एक्शन ही नहीं बताता है, ये आपकी गलत फहमी हो सकती है क्या, वर्ब हमेशा एक्शन बता रहा है? ना ना ना, वर्ब हमेशा एक्शन नहीं बताता है, वर्ब ऐसे भी है जो एक्शन बताते ही नहीं है। सर क्या बात कर रहे हो, गलत तो नहीं पढ़ा रहे? ना ना गलत नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं कह रहा हूं वर्ब ऐसे होते हैं जो एक्शन बताते हैं, अरे कुछ वर्ब तो ऐसे जो एक्शन बताते ही नहीं है। एग्जाम्पल देखिए, हम बात करेंगे आई गो टू जॉब सड्डा, आई गो टू जॉब सड्डा। अब देखिए ये आई क्या है, ये आई सब्जेक्ट है, और ये गो गो क्या है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, टू जॉब सड्डा क्या है, ये बनेगा इसका ऑब्जेक्ट बनेगा। अब यहां तो खुली आंख से आपको दिख रहा है, मैं खुली आंख से बोल रहा हूं मैं जॉब्स अड्डा जाता हूं, मैं हम जॉब्स अड्डा जाते हैं, इसका क्या मतलब है, ये जो गो है ना इसके अंदर एक्शन जो है वो विजिबल है, एक्शन दिख रहा है इसमें। तो आप कहेंगे ये जो गो है ये एक्शन वर्ड है तो वर्ब है। अब मैं कुछ और भी बोलूंगा, सुनना ध्यान से, हाँ इसको हम इरेज कर देंगे। अब मैं आपको बताता हूं, सुनिए ध्यान से, आई लव यू, कितनों के मन में लड्डू फूटा, इस पर तो शायरी होनी चाहिए ना, आई लव यू। लेकिन दोस्तों ये जो लव है, ये जो बात मैं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट राइट साइड, ये राइट साइड का लव है, ये सज्जे पासे आला है, खब्बे पासे आला लव नहीं है। शायर ने कहा है, सुन लीजिए, कहते हैं दिल में न हो जुर्रत, दिल में न हो जुर्रत तो मोहब्बत नहीं मिलती, अरे दिल में न हो जुर्रत तो मोहब्बत नहीं मिलती, खैरात में इतनी बड़ी दौलत नहीं मिलती, कुछ लोग यूं ही शहर में हमसे खफा है, कुछ लोग यूं ही शहर में हमसे खफा है, हर एक से अपनी तबीयत भी नहीं मिलती, हर एक से तबीयत अपनी नहीं मिलती, देखा है जिसे मैंने कोई और था शायद, देखा है जिसे मैंने कोई और था शायद, वो कौन था जिससे तेरी सूरत नहीं मिलती, वो कौन था जिससे तेरी सूरत नहीं मिलती। तो मैं यहां कह रहा हूं लव की बात चली, मोहब्बतों को फैलाओ, नफरतों को मिटाओ, आई क्या बनेगा बोलो, आई बनेगा सब्जेक्ट, यू क्या बनेगा बोलो ऑब्जेक्ट। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो मैंने लव लिखा है, ये जो प्रेम लिखा है, ये जो मोहब्बत लिखी है, क्या ये दिखती है? तभी तो बंदा करता है, माँ बाप को पता ही नहीं होता कि ये कहां, ये अपना ये बच्चा कहां बेचारा टूट गया है, समझ रहे बात आप? तो ये जो लव है दिखता नहीं है, तभी तो बंदा कभी कभी धोखा भी खाता है, समझ रहे ना, वेरी गुड, हंसो नहीं, छोड़ो। एक लव है जिसको भी हम वर्ब कहते हैं, आज तो हम सर समझ गए, हालांकि इसमें एक्शन तो नहीं है, एक्शन नहीं है, पर सर ने पढ़ाया अभी कि वर्ब वो होता है जो एक बताएगा आपको आपको अबाउट एक्शन, दूसरा बताएगा अबाउट स्टेट। अब देखिए यहाँ पे जो लव है एक्शन तो नहीं बता रहा है, लेकिन स्टेट बता रहा है, किसकी, सब्जेक्ट की, दिल की, भाई दिल की कंडीशन बता रहा है। तो आज समझ गए हम, वो हम उसे भी कहते हैं जो एक्शन दिखाता है, वो हम उसे भी कहते हैं जो एक्शन नहीं बताता है, जो स्टेट बताता है। स्टेट क्या है, दिल की कंडीशन का नाम, दिल अच्छा लग रहा है, दिल उसको अच्छा मान रहा है, मोहब्बत है दिल से वो बुरा है तो मोहब्बत नहीं है, समझ गए ना आप? तो दिल की कंडीशन, आपसे कोई सवाल पूछता है हाउ डू यू फील, आप बोलते हैं आई फील ग्रेट, आई फील गुड,
What is this? I feel में कोई action है? नहीं है. Action नहीं तो verb कहाँ है? Verb इसलिए है क्योंकि feel के अंदर आता है state of your body, आपकी physical condition, सर से लेकर पांव तक. खैरियत पूछो, कभी तो तबीयत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का बहुत अच्छा हाल है. चलिए आगे. यहां तक क्लियर हुआ? वर्ब भी समझ में आया है. अब हम समझ गए एक और चीज. वर्ब मेरे दोस्तों दो तरह का होगा. एक को बोलते हैं रेगुलर वर्ब, एक को बोलते हैं इररेगुलर वर्ब. मैं जरा जल्दी समेट लेता हूं कि मैंने जो अभी तक मैंने जो बोला है वो क्या बोला है. हमने पहले समझा व्हाट इज वर्ब. वर्ब में हमने कहा वर्ब वो होता है जो बताता है अबाउट एक्शन ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के एक्शन के बारे में बोलता है. दूसरा हमने कहा वर्ब वो होता है जो बताता अबाउट स्टेट ऑफ सब्जेक्ट. इतना क्लियर हुआ? हाँ, ये भी हुआ. और हमने बताता है वर्ब कभी कभी बताता है अबाउट टाइम ऑफ एक्शन, दूसरा बताता है अबाउट स्टेट ऑफ एक्शन. इसको हमने पूरा डिटेल से समझा. पढ़ाना क्या है? टेंस. मैं टेंस का ओरिजिन बता रहा हूं. अरे भाई ग्रामर में टेंस आया क्यों है? सुन लो, सुन लो प्यारे बच्चों. क्यों किसी से वफा करे कोई, दिल न माने तो क्या करे कोई. हाँ, हंसते मुस्कुराते आओ. रेगुलर वर्ब, रेगुलर वर्ब वो होता है जैसे मान लीजिए मैं कहूंगा लाइक. इसकी दूसरी फॉर्म क्या है बोलो? इसकी दूसरी फॉर्म है लाइक. तीसरी क्या है? लाइक्ड. चौथी क्या है? लाइकिंग. पांचवी क्या है? लाइक्स. यही तो पढ़ा है ना आज तक आपने, बोलो. है ना सर? ये हमारे वर्ब की पहली फॉर्म है, ये दूसरी फॉर्म है, ये तीसरी फॉर्म है, ये कौन सी है? चौथी फॉर्म है. ये कौन सी है? फिफ्थ फॉर्म है. बोलो पढ़ाना इसे. सर ग्रामर में तो ये है नहीं, तो आप तो गलत पढ़ा रहे. मैं गलत कोई नहीं पढ़ाता हूँ. इसको ग्रामर में लिखते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. इसको लिखते हैं ईडी फॉर्म. इसको लिखते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. इसको लिखते हैं आईएनजी फॉर्म. इसको लिखते हैं एस या ईएस फॉर्म. लिख लो, लिख लो. लाइक को बोलते हैं वी वन फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. लाइक को बोलते हैं वी टू या ईडी फॉर्म. लाइक को बोलते हैं वी थ्री या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. V4 को बोलते हैं आईएनजी फॉर्म. और लास्ट में लाइक्स, इसको बोलते हैं एस या ईएस फॉर्म. ये ग्रामर के अंदर लिखा हुआ है. सही है? शाबाश. अब देखो ये जो लाइक है ना, बोलो, ये जो लाइक है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है. ये जो लाइक है ये कौन सी है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है. हालांकि ग्रामर में मैं आपको बता दूं लाइकिंग वर्ब नहीं है. लाइकिंग इज नॉट ए वर्ब बिकॉज इट इज स्टेटिव वर्ब. अभी तो बताया ये वर्ब कौन सा है, ये एक्शन नहीं बताता है सर, ये सब्जेक्ट की स्टेट बताता है. तो ये जो लाइक है ये कौन सा वर्ब होगा? वी कॉल इट इज स्टेटिव वर्ब. क्या बोलते हैं इसको? स्टेटिव वर्ब. वो स्टेटिव वर्ब क्या होता है? जो ओनली क्या बताएगा? स्टेट. ओनली बताएगा स्टेट ऑफ सब्जेक्ट. हाँ, और इन स्टेटिव वर्ब्स की आईएनजी फॉर्म नहीं होती है. आई एम लाइकिंग यू, ये ग्रामर गलत है. तो ये जो लाइकिंग है ये फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती है. मैं आगे आगे पढ़ाऊंगा, अभी तो दोस्त ट्रेलर है, अभी पूरा लेक्चर बाकी है. आपको मजा आ रहा ना? अरे बोलो जीते जागते मजा आ रहा है. कमेंट सेक्शन लिख दो. आपका कमेंट करना हमें इंस्पायर करता है और मेहनत करने को, और आपको दिल और लगन से पढ़ाने को, वो पढ़ाने को जो आपने कभी पढ़ा नहीं आज तक. और मैं चाहूंगा आपका एकेडमिक एग्जामिनेशन भी आप टॉप करें और कंपिटेटिव में भी आप छा जाए और गवर्नमेंट जॉब आपको तुरंत मिल जाए. तो देखते दोस्तों ये फर्स्ट फॉर्म है. अब देखिए यहां V2 इज इक्वल टू V3 है ना, इस वाले में V2 इज इक्वल टू V3. हाँ, और V2 कैसे बनता है? V1 को जब हम ED ऐड करते हैं. V3 कैसे बनता है? V1 को ED ऐड करते हैं. बोलो बच्चों सही है या गलत है? लाइक में ईडी एड करा तो बना लाइक, और लाइक में ईडी एड करा तो बना लाइक, यानी कि V2 इज इक्वल टू V3. समझ में आ रहा है? मैं यहां पर और कुछ लिखता हूं. बोलो बच्चों समझ में आया है? चलो क्लियर हुआ? यहां तक समझ में आया ना? शाबाश. अब मैं एक और एग्जांपल लिखता हूं. वॉक दूसरी फॉर्म क्या है बोलो?
वॉक्ड, तीसरी फॉर्म बोलिए वॉक्ड, चौथी फॉर्म क्या है वॉकिंग, पांचवी क्या है वॉक्स, है ना। इसको बोलते हैं वी वन, इसको बोलते हैं वी टू, इसको बोलते हैं वी थ्री, इसको बोलते हैं वी फोर, इसको बोलते हैं वी फाइव। आपको मैंने ये आपकी आसाइश के लिए लिखा है वी वन वी टू वी थ्री वी फोर वी फाइव। आप इसको बोलिए फर्स्ट फॉर्म वर्ब, इसको ईडी फॉर्म, इसको पार्टिसिपल फॉर्म, इसको आईएनजी फॉर्म, इसको एसएएस फॉर्म। आप देखो जरा 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 देखो, यहां पर देखो वी टू इज इक्वल टू वी थ्री, और वी वन को एड करा ईडी तो बना वी टू, और वी वन को ईडी एड करा तो बना वी थ्री। ऐसा लगता है ना यहाँ पे ईडी ईडी वॉक्ड, इसको देसी में पढ़ू तो वॉक्ड वॉक्ड, लेकिन अगर अंग्रेज के बच्चे की तरह पढ़े तो वॉक्ड वॉक्ड वॉक वॉक्ड वॉक्ड वॉकिंग एंड वॉक्ड। कसम से मुंह दुखता है जब अंग्रेज के बच्चे की तरह बोलते हैं। तो इसका मतलब है वो वर्ब, अब मैं जुमला दे रहा हूं नोट कीजिए, वो वर्ब जो ये पैटर्न फॉलो करता है ईडी ईडी वाला पैटर्न फॉलो करता है, ऐसे वर्ब को कहते हैं हम रेगुलर वर्ब। बोलो समझ में आया है, ऐसे वर्ब को क्या बोलेंगे रेगुलर वर्ब। बोलो क्या बोलेंगे रेगुलर वर्ब। उम्मीद है आप मजा आपको आ रहा होगा, इसको बोलेंगे रेगुलर वर्ब। आइए सर एग्जांपल दीजिए अबाउट इररेगुलर वर्ब। पहले तुम लिख लो छाप लो, हंसते हुए चेहरों से है बाजार की जीनत, हंसते हंसते हुए चेहरों से है बाजार की जीनत, रोने की यहां वैसे भी फुर्सत नहीं मिलती, दिल में न हो जुर्रत तो मोहब्बत नहीं मिलती, आ खैरात में इतनी बड़ी दौलत नहीं मिलती। यहां तक आप समझ गए हैं, आगे चलते हैं प्यारे बच्चों इररेगुलर वर्ब को समझा देते हैं। सर जी बताइए इररेगुलर वर्ब क्या होता है? अरे नाम से ही पता चल रहा है ये रेगुलर नहीं है। बोलो रेगुलर नहीं है, जब रेगुलर नहीं है तो इररेगुलर है। मतलब क्या है वी वन वी टू वी थ्री वी फोर वी फाइव, किस वाली कंडीशन में v2 is not equal to v3, v1 को ed add कर देते हैं it is not equal to v2, v1 को ed add कर देते हैं it is not equal to v3। ये होता है irregular verb। सर जरा समझाइए, समझाइए ना जरा जरा कैसे लिखेंगे इसको। eat दूजी फॉर्म क्या आएगी बोलो, eaten ate, इसरी क्या है eaten, चौथी क्या है eating, पांचवी क्या है eats, eats अंग्रेज के बच्चे की तरह। eat क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये क्या है बोलो सेकंड फॉर्म, ये कौन सी है थर्ड फॉर्म, ये कौन सी है फोर्थ फॉर्म, ये कौन सी है फिफ्थ फॉर्म। आप मुझे एक बात बताओ, अंग्रेजी में ऐसे पढ़ा रहा हूं ना जिसने कभी नहीं पढ़ी हुई वो भी समझेगा, ये अंग्रेजी सबके लिए है, सबके लिए, चाहे कोई स्पोकन इंग्लिश सीखना चाह रहा हो समझे ना, अकेडमी वाला बच्चा है 9th 10th वाला बच्चा 11th 12th का वो भी समझेगा ये, और चाहे फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैंकिंग एसएससी एसएसबी यूपीएससी आईएएस सीएससी सब के लिए ग्रामर है। देखो v1 v2 v3, अब बताओ मुझे क्या v2 v3 के बराबर है? नहीं है। क्या v1 को हमने eat के साथ ed ऐड करा? हम तो अंग्रेज के बाप बन गए, eat का बनेगा eated, eated, वाह जी वाह, ऐसी अंग्रेजी पढ़ाओ सर। हाँ, ईट की दूसरी फॉर्म क्या है बच्चों? ईटेड। अरे सर क्या बोल रहे हो, ये तो रेगुलर वर्ब है ही नहीं, ईटेड कहाँ से आया है, गलत पढ़ा देते हो। हाँ ये तो है ही कोई नहीं, ये तो है ही कोई नहीं, क्योंकि जहां पर ये वाला पैटर्न फॉलो होता है, ये वाला पैटर्न फॉलो होता है, इसे तो हम कहेंगे इररेगुलर वर्ब। यहां पर सेकंड और तीसरी फॉर्म सेम नहीं है, आप समझ गए ना, आप रेगुलर वर्ब में सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है, एडी ईडी लगाने से बन जाती है, यहां पर ऐसा नहीं है। क्लियर हुआ? अब मैं इसके बाद जुमला दे रहा हूं, सुन लीजिए। मैं यहां पर सेंटेंस ए लिखता हूं, सेंटेंस ए लिखा, ध्यान से सुनिएगा, सेंटेंस ए लिखता हूं,
I go to Joksada, number one institute in our city, where competitive examinations के लिए पढ़ाई क्वालिटी दी जाती है। क्वालिटी एजुकेशन में कोई कंप्रोमाइज, तुमको तो लग ही रहा होगा ना सर अपने आप को इतना थका रहे हैं, काहे थका रहे, तुम सक्सेसफुल हो जाओ लाइफ में। देखो आई गो टू जॉब सडा, मैं दोबारा लिखूंगा आई वेंट टू जॉब सडा, ये डिटो होगा ना सेम, आई एम गोइंग टू जॉब सडा। अभी टेंस नहीं पढ़ा रहा हूं, अभी ओरिजिन है। I had gone to job sada. ये मैंने एक set लिखा। This is set A. This is set A. अब मैं set B लिखता हूँ। बोलो बच्चों, set B लिखता हूँ। I love you. I loved you. ठीक है, ये मैंने दूसरा सेट लिखा। सी सेट और एक लिखता हूं, आई वॉश पांडे यूटेंसिल्स बर्तन, आई वॉश्ड यूटेंसिल्स, आई डैश वॉश्ड utensils, I am washing utensils। हमने प्यारे बच्चों तीन तरह, तीन सेट ऑफ एग्जाम्पल्स लिखे, ए सेट, बी सेट और सी सेट। आप बच्चों से पूछता हूं, जिन्होंने जिंदगी में अगर कभी अंग्रेजी नहीं देखी होगी वो भी बता सकते हैं, वी वन कौन सा है, वी टू कौन सा है, वी थ्री कौन सा है। देखो इसमें ये कौन सी फॉर्म है, बोलो बच्चों शाबाश मिलके बोलो। सर ये जो फॉर्म आप बता रहे हैं ना, ये है वी वन फॉर्म, पता है ना सबको। हाँ, गो जो है ये वी की वी वन फॉर्म है। सर ये बोलो ये कौन सी है, बोलो ये वी टू फॉर्म है। ये गोइंग कौन सी है, सर ये वी की फोर्थ फॉर्म, आईएनजी फॉर्म है। ये गॉन कौन सी है, वी थर्ड फॉर्म है। मतलब जिसने ग्रामर थोड़ी बहुत पढ़ी होगी वो भी बच्चा बोल सकता है वी वन है, वी टू है, वी थ्री है, वी फोर है। बोलो सही बात है ना, ये कौन सा है, वी वन फॉर्म है। ये कौन सी है, वी टू है। ये कौन सी है, V4 है। ये कौन सी है, V3 है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ, वेरी गुड। अब बताओ ये लव कौन सी है, सर ये मोहब्बत पहली फॉर्म है। ये लव्ड कौन सी है, V2 फॉर्म। ये कौन सी है, सर नहीं बता सकते। अरे बता सकते, दिल से बोलो ये V2 है, ये कौन सी है, नहीं बता सकते, क्लैरिफाई ही नहीं है थर्ड है या सेकंड है। क्या मैं इसको V2 बोलूं या V3 बोलूंगा, यहां पर कंफ्यूजन है। ये पॉइंट नोट करो जनाब, I dash loved you, ये V2 है या V3 है, ये अभी clarify नहीं है। अब जरा देखो इधर, ये wash है ना, अरे बोलो wash है। ये verb की first form है, बोलो ये wash कौन सी है, ये verb की second form है। अब यहां बोलो ये wash कौन सी है, क्या मैं इस wash को second बोलूं या इसको third बोलूं, यहां पर problem है। प्रॉब्लम अराइज हुई है, सर ये सेकंड है या थर्ड है, इट इज नॉट क्लैरिफाई ही नहीं हो रहा है। ये वॉशिंग कौन सी है, ये आईएनजी फॉर्म है या सिंपल बोलेंगे वी फॉर फॉर्म। इसका मतलब ये है, मैं आपको समझा रहा हूं, रेगुलर वर्ब की बात करेंगे। रेगुलर वर्ब किसे कहते हैं, ये जहां पर ईडी ईडी है ना, देखो ना सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, अब ये तो सेम है ना। ये जहां पर रेगुलर वर्ब की बात होगी, क्या होगी बात, रेगुलर वर्ब की, वहां पर कंफ्यूजन हुआ। क्या हुआ, कंफ्यूजन हुआ। कुछ लोग पढ़ाते हैं ना कंफ्यूजन हुआ, वहां पे कंफ्यूजन हुआ। की कंफ्यूजन हुआ है, कंफ्यूजन ये हुआ वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म है। लेकिन जहां इररेगुलर वर्ब की बात हो रही है वहां कोई कंफ्यूजन नहीं है, वहां कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्यों, वहां वहां इजीली है, वहां सेकंड और थर्ड में फर्क तो है, यहां पे सेकंड इज नॉट इक्वल टू थर्ड, तो ये तो क्लियर है। तो इसके यहां पर हमें ये पूरे एग्जाम्पल की जो सेट है बताना ये है कि रेगुलर वर्ब्स में सेकंड और थर्ड में बताना मुश्किल हुआ कि कौन सी सेकंड है कौन सी थर्ड है।
अच्छा इन केस ऑफ इररेगुलर वहां बताना आसान है, चाहे यहां टेंस लिखा हो या ना लिखा हो तब भी बंदा बता सकता है वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है। मैं आपको एक जुमला दे रहा हूं, टेंसेस को ग्रामर में इसलिए भी इनकॉर्पोरेट किया गया था, टेंसेस को ग्रामर में इसलिए भी लाया गया था कि रेगुलर वर्ब्स में जहां कंफ्यूजन होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी है, सेकंड और थर्ड में क्या डिफरेंस है, इसको क्लैरिफाई करने के लिए आपको टेंसेस दिए गए हैं। बताओ दोस्त, मैं अगर यहां पे लिखता हूं आई वॉश यूटेंसिल्स, फिर मैं अगर यहां पे हैज लगाऊंगा, हैव लगाऊंगा, हैड लगाऊंगा, बताओ अगर मैं हैव और हैड लगाऊंगा आप समझ जाएंगे ना कि सर ये तो फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हुई। मैं यहां पे लिख लेता हूं और क्लैरिफाई कर लेता हूं, आई वॉश क्लोथ्स, मैं कहा आई वॉश्ड क्लोथ्स, मैंने कहा तीसरा आई डैश वॉश्ड क्लोथ्स, दुनिया में कोई नहीं है जो ये बताएगा सर ये तो फर्स्ट फॉर्म है, ये तो हर कोई बोलेगा, लेकिन ये कौन सी है, सेकंड है, लेकिन इसके बारे में कोई नहीं बता पाएगा जब तक ये मेंशन ना हो, टेंस ना हो कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है या ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो इस कंफ्यूजन को मिटाने के लिए हमें टेंसेस को लाना पड़ेगा, हमें ऑक्सिलरी वर्ब को लाना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे हैव लिखूंगा या मैं हैड लिखूंगा, बताओ दोस्तों तुम बता पाओगे ना कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, कब, जब ये चीजें आएंगी, और ये सारा चीज ही तो टेंस है। समझ गए why tenses were incorporated in order to remove out the ambiguity caused by verb or verb second or third form in case of regular verbs, isliye tenses ko angrezi mein laya gaya hai। bolo samajh gaye na, are dost abhi to shuruaat hai, maza aa raha na, main tabhi to keh raha hu dil mein na ho jurrat to mohabbat nahi milti, itni badi daulat khairat mein nahi milti, ha हिम्मत लाओ, एनर्जी लाओ और एक पूरे लेक्चर को एंड टू एंड देखो, फिर देखो आप बोलोगे सर ऐसी ग्रामर लाइफ में कभी नहीं पढ़ी थी। वो बच्चा जिसने कभी अंग्रेजी को छुआ भी नहीं हो उसके लिए भी ये लेक्चर कमाल होने वाला है इंशाल्लाह। देखिए तो हम समझ गए ओरिजिन ऑफ टेंसेस, ओरिजिन ऑफ टेंसेस अंडरस्टूड, ये तो बिंदास तरीके से हम समझ आए, अंडरस्टूड। तो पहला पड़ाव हमारा हल हो गया है, टेंसेस क्यों आ गए, तो टेंसेस क्यों आ गए ये पड़ाव हमने क्लियर किया है। हाँ टेंसेस अब आएंगे समझ ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि अब पढ़ाएंगे इंजीनियर सईद सादा, एक नया अंदाज आपने अभी तक देखा ही होगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है इसको सब्सक्राइब करो, इस लेक्चर को जितना हो सके शेयर करते जाओ, आप पूरे समाज को फायदा पहुंचाओ। सुनो फिर हमने क्या कहा, सुनिए यहां से, यहां सुनिए, मैंने कहा a verb based method used to indicate time and sometimes the continuation or contingency of an action or state in total। अरे सर ये क्या अंग्रेज के बच्चे की तरह बोल रहे हैं, आहिस्ता बोलिए। अभी तक हमने जो डिस्कस करा है मैं यहां पे लिख लेता हूं। सबसे पहले अभी तक हमने ये समझा है कि टेंस इसका ओरिजिन क्या है, ओरिजिन हमने समझ लिया कि ये इसका ओरिजिन ये वर्ड, फिर हमने बताया व्हाई व्हाई टेंसेस, टेंसेस क्यों है, ताकि जो एम्बिग्यूटी थी इन केस ऑफ रेगुलर वर्ब्स सेकंड और थर्ड फॉर्म उसको एस्केलेट करने के लिए दूर करने के लिए ये बताया दिया हमने। अब हम समझेंगे व्हाट आर टेंसेस, अब तीसरा जो क्वेश्चन है वो है व्हाट आर टेंसेस, टेंसेस का ओरिजिन पढ़ा, व्हाई क्यों आ गए, अब सवाल है व्हाट आर टेंसेस। व्हाट आर टेंसेस सुनिए अब ध्यान से, लाइफ में पहली बार टेंस की आपको डेफिनेशन बता रहे हैं, कमाल से कमाल के साथ, अब तवज्जो बनाए रखिए और देखिए मेरे दोस्तों कि हम क्या बताएंगे आप। ग्रामर में ग्रामर मा ग्रामर विच की विच ग्रामर में हमने पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है, क्या पढ़ा है बोलो, काय देख रहे हो ऐसे, ग्रामर में हमने देखा है कि जब भी हम लिखते हैं इंग्लिश लेफ्ट टू राइट,
इंग्लिश कहां से लिखते हैं दोस्तों, बोलो। इंग्लिश हम हमेशा लिखते हैं फ्रॉम सज्जे पासे टू खब्बे पासे, नहीं नहीं फ्रॉम खब्बे टू सज्जे, इंग्लिश लिखते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और अंग्रेज का बच्चा बोलता है जब इंग्लिश लिखना है तो पहले लाइए सब्जेक्ट, फिर की, फिर लाइएगा वर्ब, फिर लाइएगा ऑब्जेक्ट। अंग्रेज का बच्चा बोलता है, क्या बोलता है, पहले सब्जेक्ट लाओ फिर वर्ब लाओ फिर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये है ग्रामर का पैटर्न, पहले सब्जेक्ट लाओ फिर वर्ब लाओ फिर ऑब्जेक्ट लाओ। सही जी है, तभी तो आप बच्चों जब एप्लीकेशन लिखते हो तो क्या लिखते हो, सर आई बेग टू से दैट, दिल से बताओ, अंदर बेग वाली फीलिंग होती है, अंदर से कहते हैं प्रिंसिपल सर हमें कोई बेग वाली फीलिंग नहीं है, तो आप क्या बोलते, लिखते कैसे, आई बेग टू से, कितना अच्छा होता अगर अंदर से बेग वाली फीलिंग होती, ताकि जो प्रिंसिपल सर को एप्लीकेशन पढ़ते हो जो वाइब्स आ जाती, वाकई इस बच्चे के अंदर बेग वाली फीलिंग तो है, आप लिखते हो अकड़ से, आई बेग टू से दैट, आई बेग टू से, फीलिंग वैसे होती नहीं है, मैं चाहता हूं कि आपको फीलिंग भी आ जाए ना, डाउन टू द अर्थ फीलिंग लाओ। देखो मैं ऐसे लिख सकता हूं बैग, आई टू से, नहीं बोलो आप दिल से बोलो, ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं से आई टू बैग, बोलो ऐसे लिख सकता हूं आई बैग टू से, बैग आई टू से आई टू बैग, ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे नहीं ना लिख सकता, अरे कैसे नहीं लिख सकता, तुम बोलते सर ऐसे नहीं लिख सकते, पर मैंने तो भी लिख के दिखाया, सर आपके लिखने से क्या हुआ, ये तो ग्रामेटिकली गलत है ना, ऐसे नहीं लिख सकते आप, ये करेक्ट नहीं है, ये है इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट है, क्यों, आपको कौन सा चीज बताता है कि ये गलत है, सर गलत होने के लिए रूल है, रूल क्या है, रूल ये है ग्रामर में जब भी लिखो तो सब्जेक्ट को पहले लाओ फिर वर्ब को लाओ फिर ऑब्जेक्ट को लाओ, इसीलिए तो इसको ज्यादा वैल्यू माना गया, आई क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब क्या है, बैग है, समझ में आ रहा है, इन्फिनिटिव वर्ब है, तो से भी वर्ब ही हमारा है, फिर आगे इसको ऑब्जेक्ट आएगा, तो इसको कहने का मतलब ये है कि सब्जेक्ट आया वर्ब आया ऑब्जेक्ट आया, मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, आई ड्राइव अ कार, बोलो ये सही है, अगर कोई लिखेगा कोई कलाकार, अ कार आई ड्राइव, वाह कमाल की अंग्रेजी बोलता है दोस्त, आप बोलोगे सर ये गलत है, क्योंकि ये सिंटेक्स को फॉलो नहीं करता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, आई, आई में सब्जेक्ट है, ड्राइव क्या है, वर्ब है, कार क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो आप बोलोगे सर ये जो है ना ये करेक्ट है, कौन सा चीज है जिसने बोला ये करेक्ट है, सर ये वर्ड ऑर्डर, क्या ये वर्ड ऑर्डर, तो प्यारे बच्चों मैं आपको एक जुमला दे रहा हूं, वो वर्ड ऑर्डर, बोलो वो वर्ड ऑर्डर जो हमको ये बताता है, वो वर्ड ऑर्डर जो हमको ये बताता है, क्या बताता है, कि सेंटेंस जो हम जो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स लिखे हैं क्या वो सेंटेंस है या नहीं है, तो मैं जुमला दे रहा हूं, ए वर्ड ऑर्डर व्हाइल राइटिंग ए सेंटेंस, वर्ड ऑर्डर व्हाइल राइटिंग ए सेंटेंस कॉल्ड सिंटेक्स, इस वर्ड ऑर्डर का नाम क्या बनेगा, बोलो इसका नाम बनेगा सिंटेक्स। एक जो पानी की सिंटेक्स आती है छत वाली, वो है एस आई एन टी एक्स, ये पानी का वो जो ब्रांड है, प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, सिंपल बता रहा हूँ, ये है एस आई एन टी एक्स सिंटेक्स, ये वाटर टैंक का ब्रांड है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो है एस वाई एन टी एक्स सिंटेक्स, सिंटेक्स इज ए वर्ड ऑर्डर व्हाइल राइटिंग ए सेंटेंस, सिंटेक्स इज ए वर्ड ऑर्डर while writing a sentence, clear hua, very good, clear hua yahan tak, syntax, to syntax hame batata hai ki sentence sahi hai या गलत है, सिंटेक्स सही होगा तो सेंटेंस बनेगा, सिंटेक्स नहीं तो सेंटेंस नहीं, मैं एक जुमला दे रहा हूं आपको, सिंटेक्स सही तो सेंटेंस सही, सिंटेक्स नहीं तो सेंटेंस नहीं, ये पॉइंट टू बी नोटेड, सिंटेक्स सही तो सेंटेंस सही,
सिंटेक्स नहीं तो सेंटेंस नहीं, इसी को कहेंगे हम। अब टेंसेस आएंगे समझ ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि अब पढ़ाने आए हैं इंजीनियर सही ज्यादा। आपको मजा आ रहा ना? ये तो सिंटेक्स के बारे में हमने बताया। अब मैं आपको एक बार बता रहा हूं, देखो यार, आई गो टू जॉब सेंटर, आई गो टू जॉब सेंटर, आई क्या बनेगा बोलो? सब्जेक्ट है। गो क्या बना? बोलिए सर ये वर्ब है। ये जॉब सेंटर क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। टू जो है ये है प्रीपोजिशन, समझ में आ रहा? तो इसमें क्या बना? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो मैंने बनाया, ये जो बनाया, ये देखो, ये भी यही तो सिंटेक्स है। ये सिंटेक्स में क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट आया ना इधर, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। मैं अगर एक और सेंटेंस लिखता हूं, देखो तुमको मजा आ रहा है ना सर? कमाल का मजा। ऐसे तो ग्रामर पढ़ी नहीं थी कभी, आपको खुदा खुश रखे, मजा आ रहा है। सब्जेक्ट देखो, मैं एक और बोलता हूं, आई ड्राइव ए कार। आई क्या है बोलो? सब्जेक्ट है। ड्राइव क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ए कार क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट है। अब बोलो क्या बना? ये क्या है? ये भी तो सिंटेक्स ही है, सही है। अब एक और बोलता हूं, आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग यू। हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो क्या बनेगा? आई क्या बनेगा? सब्जेक्ट बनेगा। एम क्या बनेगा? एम बनेगा प्रेजेंट प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। टीचिंग क्या बनेगा? वर्ब की फोर्थ फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। यू क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। इसका सिंटेक्स अगर लिखूंगा तो कैसे बनेगा? सब्जेक्ट प्लस एम प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो बनाया, ये क्या है? ये भी तो सिंटेक्स ही है। सही है। एक और बोलता हूं, आई हैड टेकन लंच, आई टेकन लंच। बोलो सब्जेक्ट है, बट के बाद क्या हैड है? ये है पास्ट प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, तो है वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आया। इसका सिंटेक्स अगर बनाएंगे तो क्या बनेगा? बोलो क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बोलो ये जो बना, ये क्या है? ये भी तो सिंटेक्स ही है। इसका मतलब ये है, हमारे पास जितने भी सेंटेंसेस हमें बन के आएंगे उन सभी का सिंटेक्स होना लाजमी है, क्योंकि सेंटेंस बनेगा नहीं जब तक सिंटेक्स होगा नहीं। सिंटेक्स इज मैंडेटरी फॉर फॉर्मेशन ऑफ ए सेंटेंस। तो इसका मतलब है ये जो बना ये सिंटेक्स है, ये जो बना ये सिंटेक्स है, ये जो बना ये सिंटेक्स है। शैल आई वाइप इट ऑफ, इसको मैं साफ कर लूं? हाँ जी सर कीजिए, हमने लिख लिया है। अगर आप लोगों ने लिखा नहीं, वीडियो को पीछे कीजिए, खब्बे पासे करिए, हमारा बूथा दोबारा आएगा, बूथा आएगा तो ये भी आएगा। अब सुनिए, मैंने आपको ये बताया सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा एक सिंटेक्स बना, दूसरा बना एम, तीसरा बना जो अभी हम अभी जो हमने बनाया है, मैं बस उनकी बात करूं। ये तीन तरह के सिंटेक्स अभी हमने बनाए, ये नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री। ये सिंटेक्स है, ये भी सिंटेक्स है और ये भी सिंटेक्स है। जरा मुझे बताओ एक चीज, अगर मैं कहूंगा ऐसे, आई ड्राइव ए कार, इसमें सिंटेक्स कौन सा है? इसमें सिंटेक्स ये चलेगा, है ना? अब मुझे आप बताओ, जिस बच्चे ने जिंदगी में कभी टेंस नहीं पढ़ा होगा वो भी बताएगा, जैसे सर ने अभी वो पढ़ाया है, ये वो भी कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। अब मुझे बताएगा, इसमें हमें बताओ, ये जो आई ड्राइव ए कार का मतलब होता है हम गाड़ी चलाते हैं। अगर हमें और नए एक्शन बोलो, हम गाड़ी चलाता है अंग्रेज को अच्छा बोलता है, तो इसका मतलब है इसमें टाइम ऑफ एक्शन जो होगा, क्या होगा? टाइम ऑफ एक्शन। वो टाइम ऑफ एक्शन मेरे प्यारे बच्चों वो होगा प्रेजेंट। ये मुझे ये सिंटेक्स बता रहा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट मुझे ये बता रहा है कि सर इसमें जो टाइम ऑफ एक्शन है, गाड़ी चलाने का जो वक्त है, वो प्रेजेंट है। दूसरा, सर मुझे एक बार बताओ, ये है स्टेट ऑफ एक्शन, क्या होगा? स्टेट ऑफ एक्शन इसमें सिंपल है,
आई ड्राइव ए कार का मतलब होता है हम गाड़ी चलाते हैं, मतलब रोज रोज चलाते हैं। सर ने आगाज में बताया था ना, वो दो चीजें बताएगा, एक टाइम ऑफ एक्शन हुआ कब है, हुआ सर प्रेजेंट में है, स्टेट ऑफ एक्शन मतलब इसका इसका तरीका क्या है, इसका लहजा क्या है, अंदाज क्या है इस काम का। अंदाज ये है कि ये काम रोजमर्रा होता है, रूटीन है, तो रूटीन में आएगा सिंपल। तो इसका ये मतलब है, ये सिंटेक्स हमको बताता है इसमें टाइम कौन सा है, प्रेजेंट है, अच्छा स्टेट कौन सी है, सिंपल है, ठीक है। अब जरा इसको देखते हैं, ये है, अगर किसी को पूछूंगा बोलेगा ये सर ये प्रेजेंट है और साथ में कॉन्टिन्यूस है, ठीक है ना। वी फॉर फॉर्म आए, आईएनजी फॉर्म मतलब आई एम ईटिंग फूड। अब बोलो आई क्या बनेगा, सब्जेक्ट, फिर आया एम, फिर आया वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर आया ऑब्जेक्ट। अब बोलो ये क्या है सर, इसमें इसमें जो है टाइम ऑफ एक्शन क्या हो रहा है, ये हम कह रहे हैं हम खाना खा रहे हैं, है का मतलब प्रेजेंट है, तो टाइम एक्शन क्या बनेगा, प्रेजेंट। और स्टेट ऑफ एक्शन क्या है, अरे अंदाज क्या उस काम का, वो काम चल रहा है, चल रहा का मतलब होता है कंटिन्यूअस है। तो मैं आपको एक जुमला दे रहा हूं, वो सिंटेक्स बोलो, ये सिंटेक्स है ना सर, वो सिंटेक्स ये और ये बोल रहा हूं, वो सिंटेक्स जो हमको बताता है नंबर वन एक्शन का टाइम, बोलो एक्शन का टाइम, दूसरा स्टेट ऑफ एक्शन, एक्शन का टाइम, स्टेट ऑफ एक्शन जो हमको बताता है उस ही सिंटेक्स को टेंस कहते हैं। सर कमाल समझ में आया है, टेंस वो ग्रामर का डिपार्टमेंट होता है, वो ग्रामर की कैटेगरी होती है, वो ग्रामर की क्लासिफिकेशन होती है जो हमें एक एक्शन के बारे में बताएगा उसका टाइम ऑफ एक्शन क्या है, उसकी स्टेट ऑफ एक्शन कैसी है। अगर ये दो पैरामीटर्स आपके पास आ गए हैं, टाइम ऑफ एक्शन, स्टेट ऑफ एक्शन, तो हम कहेंगे उस सिंटेक्स का नाम टेंस पड़ेगा। यहां तक समझ में आया है, चलिए आगे मैं देखता हूं। देखो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये सिंटेक्स है, हाँ सर सिंटेक्स है, लेकिन इसमें टाइम ऑफ एक्शन क्या है, टाइम ऑफ एक्शन हैड की वजह से पास्ट है, और स्टेट ऑफ एक्शन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म की वजह से वो परफेक्ट है। सर तो हम कहेंगे सर जी हमारे पास ये सिंटेक्स है, वो सिंटेक्स जो हमें बताता है अबाउट टाइम ऑफ एक्शन, स्टेट ऑफ एक्शन, तो ये जो सिंटेक्स है इसका नाम पड़ेगा टेंस, तभी तो इसको नाम पड़ेगा फिर पास्ट परफेक्ट। अब जो वादा किया था पूरा हुआ ना, टेंसेस अब आएंगे समझ ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि आप पढ़ाने आए हैं इंजीनियर सही ज्यादा। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों समझ में आया है, एक नया अंदाज है। ठीक है मेरे बच्चों, वेरी गुड। तो हम लोग समझ गए हैं अब तक टेंस का ओरिजिन क्या है, टेंसेस क्यों आ गए और टेंसेस होते क्या है। अगर कोई पूछेगा तो हम कहेंगे जनाब टेंस क्या होता है, टेंस का मतलब होता है, टेंस जो है ये वो सिंटेक्स होता है जो हमको बताता है अबाउट क्या, टाइम ऑफ एक्शन और दूसरा स्टेट ऑफ एक्शन। टाइम ऑफ एक्शन और स्टेट ऑफ एक्शन, ग्रामेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द लोकेशन ऑफ इवेंट्स इन टाइम, ये आपका ग्रामर लिखता है। और सर ने कितना समझाया आपको, कमाल मजा आया ना। ये तो था अबाउट द डेफिनेशन ऑफ टेंस। चलिए आगे, नोट दैट मनी ग्रामरियंस टेक द व्यू दैट देयर आर ओनली टू टेंसेस इन इंग्लिश। कहते हैं कुछ ग्रामरियंस यानी कि ग्रामर लिखने वाले ये बोलते हैं कि हमारे पास दोस्तों ग्रामर में देयर आर ओनली टू टेंसेस इन इंग्लिश। क्या कहते हैं, इंग्लिश में का है दो ही टेंसेस है। अगर आप लोगों ने अभी तक सर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए। इस सर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल का नाम है इंजीनियर सैयदज़ादा, यहाँ पर आपको व्लॉग्स
एंटरटेनिंग बहुत मिलेंगे और आप एंटरटेन के साथ साथ मॉरल एडुकेशन भी सीखेंगे इंजीनियर सईद ज़ादा यूट्यूब पर, ठीक है। इस सर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, इसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप मॉरल एडुकेशन भी सीखेंगे और शेर व शायरी भी आप तो बिंदास समझ में आ जाए। चलिए आगे, तो बहुत सारे ग्रामरियंस कहते हैं देयर आर ओनली टू टेंसेस इन इंग्लिश, यानी कि अब हमको पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ टेंसेस, क्लासिफिकेशन ऑफ टेंसेस। क्लासिफिकेशन ऑफ टेंसेस अभी तक क्या क्या पढ़ा, ओरिजिन ऑफ टेंसेस, टेंसेस क्यों आ गए, टेंसेस है क्या, अब क्लासिफिकेशन मैं पढ़ाता हूं। टेंसेस क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू TOA, दूसरा बताता हूं अकॉर्डिंग टू SOA, ये हम पढ़ा रहे हैं। टेंसेस की दो क्लासिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू TOA एंड अकॉर्डिंग टू SOA। सर ये क्या है, सर ये क्या है SOA TOA, ये क्या है सर? ये जो है TOA का मतलब होता है टाइम ऑफ एक्शन और SOA का मतलब होता है स्टेट ऑफ एक्शन। ध्यान सुनो बच्चों, टाइम ऑफ एक्शन मैंने कहा हमारे पास प्रैक्टिकल लाइफ में तीन तरह का टाइम है, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर, है ना। एक अभी जो हाल है, आने वाला कल, मुस्तकबिल जो गुजरा वो माजी है, समझ में आ रहा है, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, ये हमारे पास तीन टाइम है। एक टाइम इसके बाद आता है उसको बोलते हैं स्पेस टाइम, क्या बोलते हैं स्पेस टाइम, क्योंकि बंदा उधर उसमें रहता ही नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, वो कब दिखता है जब बंदा दुनिया से जाता है तब स्पेस टाइम शुरू होता है। यहाँ जो स्पेस में जाते हैं उनको स्पेस टाइम दिखता है, जो यहाँ के बंदे को नहीं दिख रहा है। इसका ये मतलब है जो प्रैक्टिकल लाइफ में वो हमारे पास ओनली तीन तरह के टाइम है, प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है, समझ गए आप। सुनिए टाइम ऑफ एक्शन, इस टाइम ऑफ एक्शन में हमारे पास क्या है, इस टाइम ऑफ एक्शन में हमारे पास प्रेजेंट है, पास्ट है और क्या है फ्यूचर। सो अकॉर्डिंग टू टाइम ऑफ एक्शन हमारे पास टेंसेस तीन तरह का है, तभी तो आपने ग्रामर में पढ़ा ना सर पास्ट टेंसेस, फिर पढ़ा आपने प्रेजेंट टेंसेस, फिर पढ़ा आपने क्या फ्यूचर टेंसेस, पढ़ाना बच्चों बोलो पास्ट टेंसेस, प्रेजेंट टेंसेस और फ्यूचर टेंसेस, ये आपने तीन तरह के टेंसेस पढ़े। क्यों पढ़े, सवाल मेरा आपसे ये है कि आप बोलते हैं सर टेंसेस 12 है, आज तक सिर्फ 12 पढ़े हैं। मैं बोलता हूँ क्यों 12 है, आपके पास जवाब ही नहीं, सर हमको तो यही पढ़ाया गया है। अरे क्यों पढ़ाया गया है, 12 टेंसेस इसलिए है क्योंकि टाइम ऑफ एक्शन हमारे पास तीन तरह का होता है, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर। तो कितने टेंसेस बन गए, तीन, प्रेजेंट टेंस, सर पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये तीन तरह के टेंसेस बन गए। आगे देखिए, आगे हमारे पास होता है स्टेट ऑफ एक्शन, स्टेट कौन सी है, एक होती है सिंपल स्टेट, दूसरा है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा है परफेक्ट, चौथा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सो स्टेट ऑफ एक्शन हमारे पास कितनी तरह की है बोलो, स्टेट ऑफ एक्शन हमारे पास चार तरह की है, सिंपल स्टेट है, कॉन्टिन्यूअस स्टेट है, परफेक्ट स्टेट है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस स्टेट है। यानी कि हमारे पास स्टेट चार तरह की है, सिंपल है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अब मुझे एक बार बताओ, ये चार स्टेट्स आप इनको दे दो, इनको, इसको दे दो, इसको दे दो और इसको दे दो, तभी तो बोलते हैं आप पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये तो चार इसके अंदर आ गए, यही चार इसमें आएंगे, यही चार इसमें आएंगे, तो 4, 3, 12, तभी तो आप बोलते हैं टेंसेस 12 ही है। अब 12 क्यों होते हैं, समझ में आया, तीन इसलिए अकॉर्डिंग टू टाइम ऑफ एक्शन, और 12 क्यों आएंगे क्योंकि हमारे पास स्टेट ऑफ एक्शन चार है, जब ये चार हर एक में जाएगी तो 4, 3, 12 हमारे पास 12 टेंसेस होते हैं। यहां तक आपको बिंदास लेक्चर समझ में आया है, अब टेंसेस समझ आएंगे ज्यादा ज्यादा क्योंकि आप पढ़ाने आए हैं इंजीनियर सईद ज़ादा। आज के लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, इख्तिताम करते हैं, अगले दिन फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है आप इस वीडियो को ज्यादा से लाइक करेंगे और इसको शेयर करते जाइएगा, कर भला और हो भला, तुम लोगों का बेनिफिट चाहोगे, तुम्हारा खुद ब खुद बेनिफिट हो जाएगा।
मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिएगा, पेरेंट्स की खूब खिदमत कीजिए, जॉब सर्टा का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में घंटी का बटन है दबाइए इसको, और कमेंट्स में जरूर बताइएगा ये लेक्चर आपको कैसा लगा है, दिल से बोलिएगा, दिल से कि आपको कैसा लगा, आपने ऐसी ग्रामर पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी, जरूर बोलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।